أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الامين. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض محترم قابل احترام علماء اكرام أستاذ محترم फ़दीलतुश हाफि तारी हाफि और दिगर ओलमा कराम हाजरीन मजलिस बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों पर्दा नशे खवातिन इस्लाम मेरा मधु आपने सुना भाईचारा इसकी अहमियत ज़रूरत और तफादे इस सिलसिले में कुछ अहम बातें वक्त मेरा कम है कुछ अहम बातें मैं बता कर अपनी बात को ख़त्म करूँगा दुआ करें अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में जो भी बातें हम सुनते हैं पढ़ते हैं अल्लाह समझने की तोफ़ीता फरमाएँ और अमल के साथ नसीब फरमाएँ और अमल के साथ साथ ये अच्छी बातें दूसरों तक हमत मद हसना और दीगर जो असाली वसाइल जिसकी तरफ अल्लाह ताली ने हमारी रहनुमाई की है अल्लाह उस तरीक़े के मुताबिक दावत का फरीदा अंजाम देने की सादत फरमाए फरमाएँ आमीन अवत भाईचारा ये इस्लाम की बुनियाद सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया इन इखवा के मोमिन आपस में भाई भाई और ये अख़वत अकीदा और मनहज के अतबार से ये भाईचारा जो अल्लाह ताला ने क़ायम किया है आगे ज़िक्र आएगा ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ने हमें भाई, भाई भाई बनाया दीनी भाई दीनी रिश्ता ये खूनी रिश्ते से बढ़कर होता देखिए चाहे मुसलमान किसी भी इलाके में रहता हो किसी भी शहर में रहता हो किसी भी कंट्री में रहता हो कोई भी ज़बान बोलता हो किसी भी कबीले ख़ानदान का रहने वाला हूँ अरब का हो या जम का हो मशरक़ का हो या मगरब का हो कोई भी हो बुनियाद क्या है अल्लाह ने कहा ईमान ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई और अगर ये बुनियाद ना हो तो अल्लाह के पास ये तल्लक़दारी ये रिश्तेदारी ये भाईचारगी कुछ माने नहीं रखती हती कि अगर बाप गैर मुसलमान हो बेटा मुसलमान हो तो बेटा बाप का वारिस नहीं बन सकता और अगर इसी तरह अकीदा मुख्तलिफ हो तो मर्द और जन के अख्तला से जो है जो ताल्लुक़ होता है शरी निका वो निका भी आपस में जायज़ नहीं अगर एक दूसरे का आकदीदा सही नहीं एक मर्द एक औरत का एक लड़का और लड़की का जो जोजियत के बंधन में अपने आप को बाँधना चाहते हैं अगर अकीदा दुरुस्त नहीं हैं ईमान दुरुस्त नहीं हैं इस्लाम ही नहीं उनके पास ये रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाएगा ये नाजायज रिश्ता कहलाएगा ये निका नहीं आपसी हमारे ताल्लुक़ कैसे होना चाहिए शुरू में जो आयत करीमा मैंने पढ़ी सूर् तौबा की अल्लाह ताला ने कहा कि मोमिन मर्द मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं भलाई का हुक्कुम देते हैं बुराई से रोकते हैं नमाज़ क़ायम करते हैं ज़क़़त अदा करते हैं लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों को मुसलमानों को एक दूसरे का मुआविन, मददगार एक दूसरे का हमदर्द खैर ख़ाह अल्लाह नेरार दिया बहुत सारे अहादीस प्यारे नबीस नईम वजाहत के साथ अल्लाह के नबीम नईम बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में समझाते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें दी एक अदीम हदीस जो बारह हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। अमल की तोफ़ी दें मसल मिनी नफ़ी तवादिम वराम वह कमसल जसदिलवाद इत मिन तदालसाजसदम कितने मरतबा हमने सुना है आपसी हमदर्दी नरमी शफ़त मेहरबानी में एक जिसम के मानन करार दी अल्लाह के नबी सास कितनी बेहतरीन मिसाल दी प्यारे नबी सास बेखाबी हो बुखार हो जिसम कितना इंसान का इंसान जो है बेचैन हो जाता है जिसम काँप जाता है ऐसी तकलीफ़ अगर किसी मुसलमान को तकलीफ़ हो तो अपनी तकलीफ़ समझें किसी पर कोई मुसीबत आए तो अपनी मुसीबत समझें कोई बीमार हो तो उसको अपनी बीमारी समझें आज तो ये समझना तो दूर की बात दूसरों को तकलीफ़ देना हमारा शियार बन गया हमारी आदत बन गई है दूसरों के बारे में सुनना नहीं बल्कि सुनने के साथ साथ अमल करना हमारी आदत बन गई उसमें शरीक होना उस गुनाह में उस नाफरमानी में दूसरों को सताने में तकलीफ़ देने में ये भाई चारगी ये रिश्ता ये नहमत उदमा है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है अगर अल्लाह का यह एहसान ना होता तो आज कोई भाई भाई, भाई नहीं होता आज भी जो हमदर्दी खैर खाई जो बज़ाहिर नजर आ रही वो भी नहीं होती इद खुन तुम उद नमत अल्लाह इद खुन तुम आद्लाफा बेना कुल फासबह तुम बिनेती ही खुआना खबर हुक्म तुम अलाफा फान कितनी बेहतरीन बात अल्लाह ने बताई ये अल्लाह का फजल था उसका एहसान था कि अल्लाह ने हमें भाई भाई बनाया हम जहन्नम के किनारे थे अल्लाह ने हमें बचा लिया है इतना बड़ा एहसान करने वाला मोहसिन हमें हुक्म देता है कि हम भाई हैं आपस में भाई भाई बनकर रहेम लोन फ्त फिल्लाफा बना खन अल्लाह अल्लाफा बना सुरफाल में भी अल्लाह ने अल्लाह के नबी से कहा अगर आप जमीन भर के खजाना भी खर्च करते आप इनके दिलों को जोड़ नहीं सकते थे सहाबा को आप आपस में भाई भाई नहीं बना सकते थे ना जिंदगी में ना मदीनी जिंदगी में ये अल्लाह का एहसान था कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों को जोड़ दिया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हने इनके मौके पर अंसार को जब जमा किया था काफ़ी नसीहतें की आखिर में कहा तुम मुतफर्रीन बी खुम्हबी अंसार बताओ क्या तुम आपस में मुंतशिर नहीं थे छोटी छोटी बातों पे तुम्हारे दरमियान सालों साल जंगें छिड़ जाती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे भेज कर मेरे ज़रिए तुम्हें आपस में भाई भाई नहीं बनाया ला अकबर रो रहे थे अंसार और आखिर में यार किया यकीनन ये बहुत बड़ा एहसान किया आपके ज़रिए अल्लाह ताला ने हम पर देखिए भाई चारा इसकी बड़ी अहमियत हम जानते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। इसके कुछ तफादे भी हैं सबसे बड़ा तफादा ये है हम आपस में भाई हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत करें और ये मोहब्बत दीन की बुनियाद पर हो अकीदे की बुनियाद पर हो सही manhaj की बुनियाद पर हो ला تدخولون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا अवلا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افسوا سلاما بينكم एक बेहतरीन दरिया मोहब्बत का प्यारे नबी साहब ने बताया सबसे बेहतरीन कहा आपस में सलाम को आम करो सलाम को फैलाओ और ये फैलाना आज कितना आसान हो गया सिर्फ मुलाकात करना ज़रूरी नहीं ये हथियार है बहुत बड़ा हथियार जिसका सही इस्तेमाल हमें करना है अभी हम सुन रहे थे शेख मोहतरम से तसाफहू प्यारे नबी साहब ने अगर मुलाकात हो जाए तो मुसाफा करो जो कीना है दिल में कीना वो ख़त्म हो जाएगा और कहा वो तहातु वो तहा आपस में हधिया दिया करो एक दूसरे को चाहे छोटी ही चीज़ क्यों ना हो इसको भी हम हकीर समझते हैं तद हबुच्चना दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाए और बहुत सारे वाकयात हैं हम सुनते हैं बारहा सुनने की आदत हो गई लेकिन अमल करना अल्लाह हमें तौफीक अदा फ़रमाए अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं किसी भाई से अल्लाह की मोहब्बत हमें नसीब होगी आज हर एक दावा करता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन ये कोई कमाल नहीं है कमाल ये है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे अल्लाह की मोहब्बत हमें नसीब हो अगर अल्लाह के लिए हम मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत हमें अता फ़रमाएगा उस आदमी का वाक़ हम जानते हैं सही मुस्लिम में जो अपने किसी भाई से मिलने के लिए किसी गांव गया था फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में आकर पूछा किस मकसद के लिए आए हो कहा सिर्फ कोई मकसद नहीं सिर्फ मैं अल्लाह की रज़ा के लिए फला भाई से मोहब्बत करता हूँ उससे मिलने आया कहा मैं इंसान नहीं मैं फरिश्ता हूँ और अल्लाह ने यह पैगाम सुन देकर मुझे भेजा है कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है अल्लाह अकबर और जो लोग अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं क़ियामत के दिन अल्लाह ताला का साया जो है नसीब होगा और इसी तरह सही तरगीब में यह हदीस मौजूद है वह जब मोहब्बती लिल्मी नफ़ी वजा लसी नफी वलमतजावली नफ़िया वलमतबादली नफ़िया अल्लाह ने कहा जो मेरे खातिर मेरी रदा के लिए मोहब्बत करते हैं मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो गई अल्लाह खबर अल्लाह का वादा झूठा नहीं जो लोग अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ उठते बैठते मिलते जुलते हैं एक दूसरे के लिए एक दूसरे की जियारत करते हैं विजिट करते हैं इसी तरह एक दूसरे पर खर्च करते हैं अल्लाह ने कहा इन तमाम के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब है लाजिम है अल्लाह की मोहब्बत ज़रूर मिलेगी आज हम सिर्फ दुनियावी मखासीद के लिए अपने मतलब के लिए अपने अपने मतलब के लिए जो है हम ये मामला करते हैं अगर अल्लाह के लिए हो तो देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए अल्लाह हमारी नीयतों में अखलासदा फरमाएँ इसी तरह हमदर्दी करना एक दूसरे के साथ हमदर्दी अबू सीद खुदरी रदी अल्लाह तौर तो मशहूर रवायत सही मुस्लिम में अल्ला के नबी ने एक जंग के मौके पर कहा जिसके पास ज़ायद सवारी है अपने भाई को दे दें किसी के पास ज़्यादा तोहसा है तो अपने भाई को दे दें बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी ने गनाई रावी कहते हैं अबू सद खुदरी इतनी चीज़ें गनाईं हमें आखिर में यकीन हो गया कि ज़ायद चीज़ों में हमारा कोई इख्तियारी नहीं खबर जो ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं अबू सईद खुदी रदी अल्ला कहते हैं हमें ये यकीन होने लगा कि शायद हमारा हक़ ही नहीं है इन जाए चीज़ें जितनी ज़रूरत की है उतना ही हमारा हक़ है अल्लाह अकबर और अब्दुलरहमान बिन औफ साद बिन अभी साद बिन रबी का वाक़ तो मशहूर है कई मरतबा हमने सुना है कितनी अदीम कुर्बानी साद बिन रबी ने भी दी आज कोई ऐसी कुरबानी पेश नहीं कर सकता नहीं कर सकता अ माशा जिसको अल्लाह हिदायत दें को तोफी रब रब। और वो मुहाजिर भाई भी कैसे थे जिन्होंने उनका कोई एहसान नहीं लिया कहा बारक अल्लाह तुम्हारे अहल में तुम्हारे माल में बरकत दे सिर अल देख कहा सिर मदीने का बाजार बता दो ये खुददारी भी थी साहबा में ये यहूत और भाईचारगी का जज्बा भी था सहाबा में देने वाले देने तैयार थे लेने वाले तैयार नहीं थे गर्चे के मुस्त थे जरूरत थी उनको लेकिन आज हम हैं कि सिर्फ लेना मालूम है देना हमें मालूम नहीं अल्लाह से लेना मालूम वालिदेन से लेना मालूम बाप दादा की जायदाद प्रॉपर्टी पर कब्जा करना सब मालूम हरेक केस से शिकायत करना मालूम लेकिन किसी को देना नहीं मालूम देना हमने नहीं सीखा देना हम नहीं चाहते हमारी नीयतों में खोट है हमारे दिलों में जंग चढ़ा हुआ है ये गिल ये कीना ये कपट ये हसद ये बोक्स ये जलन ये आज हमारे दिलों में कूट कूट कर भरा है। दब्बा والبغضاء। पिछली कौमों की बल्कि इवलीस सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह के दरबार में आदम सलाम से जो किया गया हसद किया गया हसद आज भी इसी चीज ने हमें हलाक कर दिया बर्बाद कर दिया हमें कोई मकाम नहीं ना रफ के पास ही मकाम नहीं कहां हमें मकाम मिलेगा हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं कोई और नहीं हमारे घर के छोटे हमसे ना हमसे कम वाले हमें सिखा रहे हैं आज इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती इसी तरह बहुत सारे तफादे एक हदीस देखिए अदबुलमुफरत में अल्मा अल्मा, इमाम बुखारी रहमतल आल ने ज़िक्र कियावानी रमत ने उसको हसन करार दिया है अब्दुल्ला बिन उमर की मरफू रिवायत कहते कम इन जारम बारियाम यक़ूलो याब हा दा दगल खबा बहुदूनी कहा कितने पड़ोसी हैं जो अपने पड़ोसी से चिमटे हैं क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने शिकायत करेगा हमारा पड़ोसी कहेगा यही वो मेरा पड़ोसी है जिसने अपने दरवाजे को बंद कर रखा था मेरी जरूरतें थी इसको मालूम था मैं गरीब था मैं फकीर था मैं मिस्किन था मैं मोहताज था इसने अपने दरवाजे को बंद कर दिया था हर नेकी को मुझसे रोक कर रखा था लाह अकबर लाह अकबर कितने वाकए हैं सहाबा में उमै सुलेम अबू तलहा का वाकिया सबको मालूम कैसी कैसी कुर्बानियां खुद अपने आप को नहीं अपने बच्चों को भूखा सुलाना पसंद था आज हम क्या कर रहे हैं हम लोग अल्लाह सही समझ आता फरमाए कैसी कुर्बानियाँ दी उन्होंने अला खसास। तक के लिए मिसाल अल्लाह ने बाकी रखी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं सिर्फ सुनने के लिए नहीं और कितना सुनेंगे उलमा से हुफास से हरमेन शरीफ इनके खुर्रा से अमल करना भी सीखें सुनना है वो सुने जो साहबा ने सुना जिन, जिनकी जिनकी जिंदगी बदल गई सिर्फ सुनने की आदत अच्छी चीजें सुने हम अच्छी चीजें भी नहीं सुन रहे कितनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं अच्छी अच्छी चीज सुना रहा है अल्लाह ताला हम सुनने के लिए तैयार नहीं ये सुनते भी हैं तो जज्बे वह जज्बा नहीं हमारे पास वह अमल का जज्बा नहीं हमारे पास ये अमल भी है तो दावत का वह जज्बा नहीं कब आएगा अभी इसी तरह खंदा पेशानी से मिलना इतने बखील हम लोग मुस्कुराते मिलना हमारे लिए सदका है कैसे कैसे मुंह फेरते हैं। फिर रब की रहमत हमसे मुंह फेरेगी नहीं फेरेगी यही गरीब मिले यतीम मिले बेवाह मिले मिस्किन मिले मुंह फेरने के लिए जिन कमजोरों की बुनियाद पर हमें रोजी दी जा रही चाहे रूहानी हो जिस्मानी हो चाहे मालो दौलत हो कुर्सी मनसब हो शर्म आनी चाहिए हमें अच्छी गुफ्तगु करना नहीं आता हमें सिर्फ दुनिया के कमाने के लिए छोटी एक्टिंग करते हूँ उस कस्टमर के साथ छोटी एक्टिंग बोल रहा हूँ एक्टिंग करते हैं हम लोग हमें बात तक करना नहीं आता हमारे अखलाक क्या है अकीदा जहां कमजोर हो तखबे में कमी हो हमारे अंदर तो अखलाक कम होंगे नहीं होंगे मीजान में सबसे भारी और वह हुसनखलक कहा गया जिसका तखवा कमजोर उसके अखलाक कमजोर व्ला से हुसना उकुल्ली इबादी यकुल उल्लती ही आहसन कितनी बेहतरीन तालीमातः ने दी तक़ादा ये भी है भाई चारगी का रहम दिली हो नरमी हो तवाजो इख्तियार करें तकबर गोहमा उबे न सिफत क्या बताई अल्लाह ने रोहम उबे नाज कहा हम रोहा हैं हम लोग अजीनी आयसिन उसका अक्स है आज दुश्मनों के लिए नरम पड़ गए हम लोग अपनों के लिए हम सख्त हैं जात के लिए हमने अपने, अपने नफ्स को सख्त बना लिया है अल्लाह के जिक्र से गाफिल करके तिलावत से गाफिल करके आखिरत की याद मौत को हम भूल गए हब्बु दुनिया कराहिएतुल मौत ये मंजर है आज कितनी अहादीस इन अल्लाह रफीकून युहिब रिफ्क

हर रमल्लार सही तरगीब की रिवायत अल्लावानी ने इसको हसन करार दिया सही करार दिया है कहा जो लोगों के लिए नर्म हो उसके अखलाक अच्छे हों लोगों से करीब रहता हो अच्छा मामला करता हो अल्लाह जहन्नम पर उसको हराम कर दे आग उसको नहीं छू सकती कितनी अहादीस है तोजु के सिलसिले में मन तवादा बलद मकाम चाहते हैं अल्लाह के लिए आज इन, इन सारी इख्तियार कर तबा अल्लाह के लिए हो अल्लाह मकाम अता करेगा बीमार की आदत भाई बीमार हो तो ये आदत करें कितनी खुशखबरियां तिब था वो था कुरफतिल जन्ना यरजिया और सत्तर हजार फरिश्ते सुबह में जाता है शाम तक सत्तर हजार फरिश्ते उसके लिए दुआ कर इसी तरह शाम से सुबह तक हम क्या कर रहे हैं आज सिर्फ मतलब के लिए जाते हैं मतलब के लोगों के पास जाते हैं जिनसे हमारा मकसद हो सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह ताला कल कियामत के दिन पूछेगा आदम फलम भाई बीमार था तुमने मेरी आदत की नहीं की कहेगा, अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन का फला बंदा मेरा फला बंदा तेरा भाई बीमार था तूने उसकी यादत नहीं अगर तूत करता तू तो जरूर उसके पास मुझे पाता मेरी रहमत को पाता मेरी गुरबत को पाता शिकायत करेगा रबाल है जवाब खैर खाई हम अपने खैर खानी कब दूसरों के बने अ दीन अन दीन पूरी खैर खाई का नाम जरीद बिन रीदिन अब्दुल्लाउदी साहबा ने देखी कैसे अमल किया कई चीजों पर बैत किया आखिर वी मुस्लिम अमल करके बताया जो घोड़ा खरीदा गया था गुलाम ने कम कीमत पर उसकी दुगनी तिगनी कीमत अदा करके कहा मैंने इसी बात पर बेत की थी साहबा ऐसे ने हमारे जैसे नहीं सुनकर छोड़ दें भुला दें अमल करके बताया उन्होंने उनकी मिसालें उनकी जिंदगी उनका उठना बैठना चलना फिरना उनकी अदाएं उनका मुस्कुराना भी उन्होंने जो अल्फाज की तकरार की मोहदिन ने उसको याद किया फैलाया उम्मत तक अल्लाह अकबर उनकी सांसें आज हमारी कौन सी जिंदगी हम छोड़ के जा रहे हैं या कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं आने वाली नस्लें लानत करेंगे हम पर आज फख्र है लोगों को उनकी जिंदगी में उनकी सवाने लिखी जा रही बर्बादी है नेक लोगों के लिए खुशखबरी है और बदनसीबों के लिए ये जिल्लत है दुनिया ही में जिल्लत है रसवाई कब्र में भी मारेंगे फरिश्ते मार मार कर पूरी ऐसे ही था तू अल्लाह। एक दूसरे की मदद करें वो था अच्छा दुआ आज गौर कर ले हम क्या कर रहे हैं कहां जा रहे हैं कितनी खुशखबरी अल्लाह ने सुनाई मन नोन मु, खुरबत मिन खुराबी दुनिया कोई दुनिया की छोटी सी मुसीबत भी दूर करें बड़ी बड़ी मुसीबत अल्लाह ताला, दुनिया की भी आखिरत की भी दूर करें किसी तंदक पर कोई मोहताज हो किसी के लिए मुश्किल हो मामला आसान करें अल्लाह दुनिया आखिरत के बड़े बड़े मसाइल आसान करें और पर्दा पोशी आज पर्दापोशी कहा अपने अपने टिकटॉक पर फला फला पर अपनी गंदी तस्वीरें फैलाने वाले कुल्ल उम्मती मुआफा इजाहिन गैरत आती है अल्लाह ताला को अल्लाह ने पर्दा पोशी की खुद अपना पर्दा चाक करते हैं नउज़ बिल्ला ये लोग कहाँ से दूसरों की सतर पोशी करें सतर का माना ही नहीं मालूम है क्या छुपाना नहीं मालूम हुफिया माँ ख्या अब्द हफिया सब जानते हैं बार बार सुनते हैं हमारे बच्चों को याद है ये दुआएं मकतब के बच्चों को याद है छोटी छोटी दुआएं अमल नहीं करते छोटी समझ के छोड़ देते हैं इसी में हमारी नजात है इसी में हमारे लिए सब कुछ है रब की रहमतेंबतें मिलने वाली ये जामे दुआएं हैं जिसमें समंदर को कूजे में पुरोया गया है हमने दीन को मालूम मामूली समझ लिया है जिंदगी को मजाक बना लिया मजलूम की मदद कब करेंगे हम जालिम बने हुए हैं कब मजलूम की मदद करें शरीयत ने कहा जालिम की मदद करो जुल्म से रोको हम खुद ालिम अल्लाह के हक में जुलम कर रहे हैं अपने आप पर कर रहे हैं दूसरों पर कर रहे हैं जुल्म की तीनों किस्म जमा है अलमुस्लि मुस्लिम लाएसलिम हूँ वो लाईस्लिम हूँ जुल्म करने वाला नहीं होता मुसलमान सोचता भी नहीं मुसलमान हम प्लानिंग कर रहे हैं प्लानिंग बेयार मददगार नहीं छोड़ता मुसलमान किसी को हम क्यों बेयार मददगार कि हम दूसरों का नहीं सोचते हैं। सिफारिश करें हमारे एक इशारे से हमारी एक साइन से हमारे एक एक कॉल से किसी की जिंदगी बन सकती आज कितनी जिंदगी तबाह हो रही हैं कट रही रिश्ते टूट हैं हमारे पीछे होने की वजह से तकबर आ गया गुरूर इस वो कहा गया अच्छी शफात के लिए कहा गया नसीबन कहा गया बुरी कर रहे हैं हम लोग बुराई में साथ दे रहे हैं फिल्म ना होगा गायबाना दुआ करें आप, हम अपने लिए दुआ नहीं करते रात भर जागेंगे चैटिंग करेंगे ये करेंगे रब के सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं रोजाना सुलसुल में अल्लाह ताला है कोई दुआ करने वाला है कोई पूछने वाला है कोई तोबा करने वाला अकबर हमें अपनी फिक्र नहीं अपनी अपने लिए अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं करते बद दुआ करते माए लान तान कर रही हैं दूसरा इशारा करे तो पसंद नहीं खुद हलाकत की दुआ करे मौत की दुआ करे करें नौजबी सलाम का जवाब बीमार की आदत बता दिया जनाजे में शिरकत करें लेकिन इस नीयत से करते हैं कि मैं मरूं तो वो भी आएगा फला आएगा दावत दे तो कबूल करें मालदारों की दावत में जाते हैं गरीबों को बुलाते भी नहीं तो जाएंगे कहाँ से अल्लास्ता ठीक आए तो जवाब दें और चाहे सगा भाई जो है पड़ोसी हो कोई भी हो आम मुसलमान भी हो उसकी मदद करें सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं जो दूसरों के लिए नफा बख्श हो अल्लाह के पास अहब अनफाहुम महब्बल आमाल बहुत सारे अमाल वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है अल्लाह के नबी ने कहा किसी को खुश कर दें किसी की तकलीफ़ दूर कर दें किसी का काज अदा कर दें माफ़ कर दें कम करा दें या किसी की भूख को मिटा दें और अल्लाह के नबी सा ने कहा किसी की ज़रूरत के लिए मैं जाऊं, ये मस्जिद में एक महीना इतिकाफ़ करूँ उससे बेहतर है कि किसी भाई की मदद करूँ मदीने की गलियों में कोई असनबी औरत भी, भी खातून भी आती अल्लाह के नबी उसके साथ हो लेते उसकी मदद करते थे आज चीख रहे हैं लोग चिल्ला रहे लोग मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं सब देख कर खामोश हैं हमारे साथ भी वैसा ही होगा कमा तदीन उतुदान इसी तरह शेख मोहतरम ने बहुत सारे मनफी चीजें जिक्र की मुझे बताने की जरूरत नहीं सिर्फ इशारा करके अपनी बात को खत्म करूं कुछ बिगाड़ने वाले हमारी उकूत को भाईचारगी के रिश्ते को बिगाड़ने वाले भी बहुत सारे गुनाह हैं शेख नेबत का जिक्र किया बज़नी, जनी तजस ला मजाक उड़ाना बुरे अल्खाब से पुकारना बग्स व हसद के बारे में मैंने बता दिया नमतों को देख कर अल्लाह ने दी है नमतें हमने नहीं जो कुछ दिया है जिसको दिया है रब ने दिया है रब नहीं ये रब पर एतराज होगा इबलीस ने यही किया महरूम हो गया चंद मिनट में हमेशा के लिए आबदी जहन्नम में चला गया और अल्लाह के नबी सा ख़त ताल्लुकी भी है देखिए हमारे अंदर तीन दिन कहा गया तीन दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए तीन हफ्ते तीन महीने किसी के तीन साल तीस साल पता नहीं अल्लाह और अल्लाह के नबी सा ने भी कहा जुमेरात और पीर के दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं हर एक की मखफरत की जाती है सिवाए मुश्रक और जो अपने भाई से जो है की ना रखे बुग्ज रखे अदावत रखे दुश्मनी रखे मौका देता अल्लाह ताला तधेरु हाँ दैनी हत्ता यहाँ अंधेरु हाँ दैनी हत्ता अकबर मौका है अब भी मौका है सुधर जाए इसलाह लें अपने आप की कम से कम अपने आप की खुअन फुस कुम खुअ कुमी कुम नारा अपनी तो फिक्र करें कम से कम बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए रबजुल जलाल से दुआ है रबीज़ुलजल मुझे और आपको तमाम को तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को सही मानों में ज़िंदगी के मकसद को समझने की तोफ़ी अता फरमाए रब चाहे ज़िंदगी गुजारने की शादत नसीब फरमाए मन चाहे ज़िंदगी को छोड़ने की तोफ़ी दें भाईचारा रिश्ता बड़ा अदीम है बड़ा अदीम है इस अवत और भाईचारे रिश्ते को उसतवार करने की शादत नसीब फरमाए दिलों में जो हसर की ना اور الله اللہ اس کو دلوں سے نکال اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اللهم ثبت قلوبنا على, دين على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أعذنا أجرنا من النار اللهم أعذنا من عذاب القبر ومن فتن الدنيا ظاهرها وباطنها اللهم ادخلنا الجنه جنه الفردوس بفضلك يا رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته